मालेगांव शहर की अगर बात की जाए तो मालेगांव पूरा शहर पावर लूम इंडस्ट्री पे डिपेंड है। पावर लूम इंडस्ट्री का चक्का जिस दिन जाम होता है तो मालेगांव शहर पर इसका असर पड़ता है। आने वाले 27 तारीख को मुंबई मंत्रालय में खासकर पावर लूम उद्योग को लेकर एक मीटिंग रखी गई है। इसमें महाराष्ट्र भर से पावर लूम उद्योग के जिम्मेदारान उसमें शरीक होने वाले हैं। मालेगांव शहर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक साहब का नाम है। इसी के साथ साथ आउटर के मंत्री MLA दादा भुसे साहब का भी इसमें नाम है। लेकिन मालेगांव शहर की 12 तंजीमों में से किसी भी एक तंजीम के एक भी जिम्मेदार का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो किस तरह से हम मालेगांव शहर की नुमाइंदगी वहाँ पे कर सकेंगे, ये एक सोचने वाली बात है। हमेशा से मालेगांव शहर की नुमाइंदगी खासकर पावर लूम इंडस्ट्री को लेकर कमज़ोर रही है। आज हमको व्हाट्सएप के ज़रिए से एक एजेंडा मालूम पड़ा कि 27 तारीख को मंगलवार को मंत्रालय में एक मीटिंग है 5 बजे, उसमें हमने 23 नाम पढ़ा। उसमें 23 में से मालेगांव शहर का दादा भुसे और मुफ्ती साहब के अलावा किसी का नाम नहीं है। ये प्रोटोकॉल है कि MLA लोग को तो बुलाएंगे। इच्छल करंजी से 10 लोगों को लिया गया है, भिवंडी से 2-4 लोगों को लिया गया है। तो हमारा ये बोलना है, इससे पहले जब मीटिंग टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए बन रही थी कमेटी, वो समिति जो बनी थी उसमें भी हमने देखा कि मालेगांव शहर से मुफ्ती इस्माइल का भी नाम नहीं था उस वक्त तो, और दादा भुसे का भी नाम नहीं था। जबकि मालेगांव शहर भिवंडी से के बाद सबसे ज़्यादा पावर लूम यहाँ रहता है, प्लेन पावर लूम रहता है। मेरा आप लोग के चैनल के जरिए से सरकार को ये पूछना है कि सरकार सिर्फ इच्छल करंजी वालों की तरफ क्यों ध्यान दे रही है? जो जो विषय लिए है 27 तारीख का, वो सब विषय इच्छल करंजी के लिए बेनिफिट है, मालेगांव शहर के सादे पावर लूम के लिए नहीं है। अभी मेरी एक ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हर 15 दिन पे चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है तो आपका नुमाइंदा जाता है क्या? तो ये तो हमारे को मालूम नहीं कि हमारे शहर के नुमाइंदे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, मगर वो तकरीबन 30 से ज़्यादा सिक्रेटरी टेक्सटाइल मिनिस्टर के हैं। इनसे तुम रूबरू बात करोगे, पेपर वर्क करेंगे, तब वो जाके समझेंगे ऐसा वो बात बोलता है। हम ये नहीं चाहते कि यार सरकार हमको क्यों नहीं बुला रही है, मगर हमारे अलावा इस शहर में दयाने में हमारे बिरादरान वतन का भी लूम पावर लूम है। भिवंडी में मिक्स जोन है, वहाँ पर हम बिरादरान वतन का लूम है। हम मत देखिए कि हम क्या है, मगर पॉलिसी ऐसी बनाइए। अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई जिसमें वहाँ ऑफिसर ये बोलता है कि सादे पावर लूम के लिए कोई पॉलिसी नहीं देंगे, आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार हैंडलूम वालों को पॉलिसी बना रही है कि नहीं, उसको सब्सिडी दे रही है कि नहीं, क्या एयर जेट लूम पर ऐसी क्वालिटी चल सकती है जो 3 रुपया मीटर तैयार होगी, 5 रुपया मीटर तैयार होगी, ऐसी सरकार क्वालिटी उस पर चला सकते हैं क्या? क्या छोटे बुनकर खत्म हो जाए ये पॉलिसी इस्तेमाल करने वाली है कि सरकार हमारे साथ ना अन्याय कर रही है, ना इंसाफी कर रही है मालेगांव शहर के साथ। दादा भुसे को हमने जब जाकर कहा कि यार टेक्सटाइल पॉलिसी बनने वाली है और हमारे शहर से किसी का नाम नहीं लिया गया है, वो वहाँ बैठ के फ़ोन लगाए और बोले कि हमारे 12 संगठनों में से इनका नाम लिख लो। 6 महीना हो गया वो दिन और आज तक दिन है, हमको ना कभी फ़ोन आया ना कुछ आया। तो ये क्या यहाँ हमारे यहाँ के नुमाइंदों की भी ताकत नहीं है क्या? ये सरकार क्या चाहती है? अगर सरकार 2018 से लेकर 2023 तक का पावर सब्सिडी का पॉलिसी बनाई थी तो ये सरकार क्यों 2 साल के लिए बना रही है? 2023-24 और 24-25 की ही पॉलिसी क्यों रखी है?
पूरे हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली का दाम महाराष्ट्र में है और ये सरकार यहाँ का पावर लूम, यहाँ का सादा प्लेन पावर लूम ख़त्म करने के लिए 2 ही साल की पॉलिसी बना रही है। सरकार हमें बिजली सब्सिडी के अलावा कोई मदद नहीं करती है, ना स्टेट गवर्नमेंट करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। हमने 7 दिन पावर लूम 2013 में बंद कराया था भिवंडी मालेगांव इकट्ठा होकर, तो मिल वालों का फोन आता था कि कब चालू करेंगे। हमारा किसान कपास तैयार करता है, यार्न तैयार होता है तो हम कपड़ा बुनते हैं, हम बंद कर देंगे तो हमारा भाई किसान भी मरेगा, ये सरकार समझे। और ये सरकार ना कोई गरीबों पर ध्यान दे रही है पावर लूम वाले पर, ना कुछ ऐसा स्कीम निकाल रही है। एक स्कीम स्मृति ईरानी साहिबा ने निकाला था यार्न बैंक स्कीम, जो जिसमें कोई ब्याज देना लेना नहीं पड़ता था और उसको जो है बुनकरों को वो स्कीम के जरिए दिया जा रहा था, वो भी बंद कर दी गई। हम मालेगांव शहर के लोग जो माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा हैं वो ना ब्याज लेते हैं ना देते हैं, तो हमारी पॉलिसी अलग बनाना चाहिए। हमारा नुमाइंदा जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनको अगर ये मीटिंग की मालूम पड़ी है तो यहाँ बुनकरों की मीटिंग लेकर वहाँ क्या बात रखना है वो उनको समझना चाहिए। और यहाँ बिजली कंपनी जो 100 से ज़्यादा कारखाना तैयार है उनको पावर कनेक्शन नहीं दे रही है। सरकार को हमने 10 मरतबा कंप्लेन कर दी है, दादा भूसे के साथ कंपनी की और मुफ्ती इस्माइल के साथ मीटिंग ले चुके हैं, मगर 20 करोड़ रुपये साल का खर्चा करना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, मगर वो बोलते हमारा खर्च हो गया। तो हम 10,000 लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, आज बेरोज़गारी ज़्यादा है, इस शहर में पावर का कनेक्शन दे दिया जाएगा तो 10,000 लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो सरकार हमारी तरफ कौन सी नज़र देखती है। हम इंडिपेंडेंस हमारी जो है पेट काट कर, हम घाटा खा कर मजदूरों का पेट भर रहे हैं। हमारे मालेगांव शहर में आसपास के देहातों में देख लीजिए आत्महत्या नहीं के बराबर होती है, क्योंकि वो रोज़गार मालेगांव शहर में भी आकर सहजिगों में काम करके उठा लेते हैं, उनका मई में हमको घाटा जाता है, उसके बावजूद हम पावर लूम भी चलाते हैं सहजिगे चलाते हैं ताकि मजदूर का पेट चल सके, मगर उसके बावजूद यहाँ 2 नुमाइंदों का नाम लेने के बाद यहाँ 12 संगठन है पावर लूम बुनकरों की, एक संगठन को भी सरकार ने मधु नहीं किया है, बुलाया नहीं है, ये ना इंसाफी क्यों? ऐसी बात, ऐसा सवाल मैं आपके चैनल से सरकार से कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट मौजूदा और मौजूदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लेन पावर लूम के दुश्मन है। इनके ऑफिसर बुध के रोज़ मालेगांव में एक संस्था के साथ मिलकर नई टेक्सटाइल पॉलिसी जो 2023 से 28 तक महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है, उस पॉलिसी के ऊपर उन्होंने स्पष्ट बात की कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्लेन पावर लूम को ख़त्म करना चाहती है। और उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 साल की सब्सिडी जो रखी गई है, 2 साल के बाद ये सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, प्लेन पावर लूम ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ये खुला खुला उनका ऐलान है। अगर मालेगांव वाले या जो शहर मालेगांव के अलावा, पहले आप समझ लो पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश अप्रोक्सीमेटली 26 लाख पावर लूम है प्लेन पावर लूम, उसका 60% पावर लूम जो है महाराष्ट्र स्टेट में है। अब ये 60% महाराष्ट्र स्टेट में होने के बाद अगर गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट की प्लेन पावर लूम की कोई पॉलिसी ही नहीं बनाती है, जैसा कि इस कमेटी के अंदर रिपोर्ट में दिखता है, तो उसको क्लियर कट ये बोल देना चाहिए कि हम प्लेन पावर लूम के बारे में बात नहीं करेंगे, विषय ख़त्म। यंत्रमार्ग धारक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो स्पष्टीकरण करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और उसके जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये सब प्रोजेक्ट बनाया है कि यंत्रमार्ग धारक का मतलब प्लेन पावर लूम वाला या ऑटो लूम वाला। गवर्नमेंट जो रिवेन्यू बगैर पैसा दिए
करोड़ों रुपया जीएसटी हासिल करती है प्लेन पावर लूम के ओनर से, एक पैसा लोन का नहीं देती। वो उल्टा जिलों ने प्रोजेक्ट के लिए, लूम के लिए, शेड के लिए पैसा का लगाया, लोन लिया टफ स्कीम के ज़रिए और दूसरी स्कीमों के ज़रिए, वर्कशेड स्कीम के ज़रिए उनको लोन भी दे रही है, उनका ब्याज माफ़ी का भी मुतालबा है। और जो बंदा, जो महाराष्ट्र का रहने वाला, ख़ास तौर से मालेगांव वाले, एक नया पैसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैसा लोन नहीं है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं कि इनका व्यवसाय ही ख़त्म हो जाए। तो हम तो एकदम तैयार बैठे हैं कि तुम पावर सब्सिडी ख़त्म कर दो, लेकिन एक डिपार्टमेंट अलग कर दो कि प्लेन पावर लूम का हमारे पास कोई विभाग नहीं है, तो हमको वो तरीके से लड़ाई लड़ने में आसानी हो। ये सिर्फ बात करते हैं, यंत्र मार्ग धारक कमेटी का हमने स्थापना की, टेक्सटाइल पॉलिसी बनाए, उसमें जब प्लेन पावर लूम का समावेश नहीं है तो फिर टेक्सटाइल पॉलिसी बनी किस चीज़ की है? सिर्फ कोऑपरेटिव मिलों की, जो खा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का पैसा लोन का डुबा के एनपीए करके वापस उसको खड़ा करने का प्रोविज़न है। 25,000 करोड़ रुपया उनको देने की बात है। जो सेक्टर प्लेन पावर लूम एक पैसा लोन नहीं मांग रहा है, उसको आप उसकी सब्सिडी भी लेना चाहते हो, पावर सब्सिडी, तो क्लियर बोल दो ना कि प्लेन पावर लूम वाले इधर आना, आओ मत। ये मीटिंग लेकर और लोगों को सब भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके, ये महाराष्ट्र के अंदर अमन और अमान नहीं रहेगा, ना रोज़गार रहेगा। जब इतना बड़ा सेक्टर आपको जीएसटी कलेक्शन देता है और वापस आपसे कोई एक पैसा सहूलत के नाम पे नहीं लेता है, और वो सेक्टर को ख़त्म करने की पॉलिसी बना रहे हो, जैसा रहेगा वक्त समझ में आएगा। वक्त बहुत बड़ा बलवान है, आपको अपनी औकात बता दी जाएगी। शब्बीर साहब, मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा प्लेन लूम के प्लांट है, प्लस काफ़ी ज़्यादा सरकार को जीएसटी भी आ सकते हो, लेकिन जो मौजूदा एमएलए यहाँ के अच्छे से नुमाइंदगी कर सकते हैं, आप उनके साथ मिलकर जो अपनी समस्या है, खासकर यहाँ की पंजीयों के जिम्मेदार, तो सरकार पर कुछ तो असर पड़ेगा। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, कोई भी एमएलए हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, जैसा कि हमारे यहाँ खुशकिस्मती से सेंटर के हमारे आमदार हैं मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब, और आउटर के जो आमदार हैं वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी के अंदर उस वक्त जो बात रखी जाती है वही बात मानी जाए या ना मानी जाए, पॉलिसी जब डिक्लेयर हो गई है और आपका जो मेन सब्जेक्ट है पॉलिसी का, तो वो लेकर जो ऑफिसर बैठता है, तो उसको जब टारगेट दिया जाता है कि हमें ये सेक्टर को आगे रखना है, ये सेक्टर को आगे नहीं रखना है, तो जब पॉलिसी वो लोग बना लिए, हम अपने तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी दोनों आमदारों को और मिनिस्टर साहब को साथ में जॉइंट मीटिंग लेकर इस विषय पे स्पष्ट बात रखेंगे कि कोई लाग लपेट ना करें, क्लियर बोलकर उठें। जो 27 तारीख की मुंबई में मीटिंग है उसके अंदर जितना एजेंडा है उस मीटिंग का, उसके अंदर टोटल 5 में से 3 और 4 एजेंडा तो ये इचलकरंजी वालों का विषय है कि उनका जो है MCDCL ने जो बोगस उनको बिलिंग की है उसके ऊपर ब्याज लग रहा है, 5% ब्याज माफ़ी की कोई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, वो उनको नहीं मिल रही है, तो सारे एजेंडे तो इचलकरंजी वालों के लिए हैं। और वो सारे एजेंडों में ऑटो लूम वाले ज़्यादा हैं, तो सारा जब ऑटो को देना है तो आप क्लियर बोल दो कि हमें पॉलिसी प्लेन पावर लूम के बारे में बात नहीं करने का, ना गवर्नमेंट के पास मोमेंडम देने का, ना बात करने का। ये प्रोटोकॉल के हिसाब से बात सख्त हो सकती है, लेकिन जब जीवन मरण की बात आती है ना, तो वहाँ पे शब्द भाषा यूज़ नहीं होती है। अगर हमारी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई तो जो गवर्नमेंट रहेगी उस वक्त वो देखेगी। तो हम तो अपने लेवल पर दोनों हमारे आउटर और सेंटर के जो आमदार और मंत्री महोदय हैं उन तक ये विषय रखेंगे कि प्लेन पावर लूम का स्पष्टीकरण होना चाहिए। आप यंत्रमार्ग धारक जो बोलते हो उसके अंदर प्लेन पावर लूम का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें मुफ्त में उस लाइन में मत लाओ, आप अलग कर दो हमें।